मॉम सिंगल मॉम होते हुए भी ना उनने कभी भी ना मुझे एक भी चीज की कमी फील होने नहीं दी। माय गॉड अनुष्का यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी बेस्टी नेशनल टॉपर है और कल तो तुझे पूरे स्कूल के सामने अवार्ड मिलेगा। आई नो राइट, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता है इसी दिन के लिए ना मैंने कितनी मेहनत की, मैं दिन रात पढ़ती थी और आज फाइनली मैं नेशनल टॉपर बन गई हूँ। मम्मा भी कल आएंगी, पता है तो देखेंगी कि मेरे को अवार्ड मिले, कितना प्राउड फील करेंगी। देखो पता है मेरी मॉम सिंगल मॉम होते हुए भी ना उनने कभी भी ना मुझे एक भी चीज़ की कमी फील होने नहीं दी, तभी तो मैंने इतनी मेहनत की। अब मम्मा फाइनली कल कितना प्राउड फील करेंगी। हाँ ऑफ कोर्स, वो भी तो कल आएंगी ना तुझे सपोर्ट करने। हाँ उन्होंने 100% प्रॉमिस किया मुझे कि वो पक्का आने वाली है। मैं तो ना उन्हें थैंक यू बोलने के लिए उनका फेवरेट डिश बना रही हूँ सरप्राइज के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, कल जब आंटी देखेंगी ना तुझे अवार्ड मिलते हुए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी विल आल्सो बी वेरी प्राउड। आई नो राइट। हाँ चलो अभी निकलते हैं यार, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, लेट्स गो। मम्मा आती होंगी, सब रेडी हो गया है। सब रेडी है ना? हाँ आज मैंने अपने हाथों से बनाया है खाना, पहली बार। मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। अभी तक मम्मा आए क्यों नहीं? उनको तो आधे घंटे पहले ही आ जाना चाहिए था। लगता है ट्रैफिक में अटक गई होंगी। हाँ तभी लेट हो रहा होगा। आधा घंटा बीत गया, मम्मा अभी तक नहीं आए। क्या हुआ, क्यों नहीं आई अभी तक? कॉल करती हूँ। मम्मा फोन भी नहीं उठा रही, कब आएंगी वो? हैं मम्मा अभी तक नहीं आई, खाना भी ठंडा हो गया। लगता है आ गई। मम्मा आप आ गए, क्या हुआ मम्मा आपको इतना लेट कैसे हो गया आज? अरे बेटा आज इतना ज्यादा काम था, ऊपर से इतना ट्रैफिक, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा बहुत थक गए होगे ना, तो आपको बहुत भूख भी लगी होगी। आपको पता है मम्मा मैंने आपके लिए ना आज गुजिया बनाया, और गुजिया के साथ ही साथ मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है, आपके फेवरेट। लेकिन बेटा मैंने खाना तो खा लिया, उधर मीटिंग में खाना था ना तो मैंने खा लिया। अच्छा लेकिन कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं मम्मा कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी गुजिया ही तो है, उसको तो कल गर्म करके वापस खा सकते हो, वैसे कोई बिग डील नहीं है। ठीक है बेटा तुम जाओ खाना खा लो। आप अभी सो जाओ, थक गए हो ना, चलो अंदर जाओ। गुड नाइट मम्मा। अनु
मैं? बेटा आज मुझे जल्दी जाना है तो मैं तैयार होने जा रही हूँ। तुम्हारा टिफिन बना के मैंने रख दिया है और टाइम से उठ जाना, चली जाना स्कूल, ठीक है? ठीक है मम्मा, लेकिन आप आओगे ना आज पक्का टाइम पर? हाँ बाबा, इसलिए तो मैं जल्दी जा रही हूँ जिससे काम खत्म करके मैं टाइम पे आ जाऊँ। ठीक है मम्मा, टाइम पर आना। ठीक है, टाइम से उठ जाना, ठीक है? अरे मैम, आप इतना जल्दी आज? अरे हाँ कुणाल, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी बेटी ने टॉप किया है, वो नेशनल टॉपर है, इसलिए ना आज उसको स्कूल वाले अवार्ड दे रहे हैं। तो मुझे जल्दी से काम खत्म करके मुझे निकलना है ना, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। आपकी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है, आपको तो बहुत प्राउड होगा उस पे। सही कहा तुमने कुणाल, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे क्या, हर पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं जब उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है मैम, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, मैं भी अपना काम खत्म कर लूं। ठीक है। सैड क्यों लग रही है? आज तेरा हैप्पी डे, तुझे अवार्ड मिलने वाला है। पता है, लेकिन मुझे टाई बांधना नहीं आता। पहले मेरे पापा मेरे लिए टाई बांधते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने कभी टाई बांधना सीखा ही नहीं। कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरा टाई बांध देती, मुझे आता है। ये ले, हो गया। चल अब स्माइल कर, आज तेरा हैप्पी डे है। चल अभी जल्दी से निकलते, लेट नहीं हो रहा, अपना कोट पहन लेते हैं। चले रेडी? रेडी, चलो। अनु अनु यार, 5 मिनट में तेरा अनाउंसमेंट है, चल ना। यार लेकिन मम्मा अभी तक आई नहीं है। तो आधे घंटे से यहाँ खड़ी हुई है, तो चल वो आ जाएंगी। उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आने वाली है, अभी आती ही होंगी। आयो हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मिस दिस। वो आ जाएंगी तो चल। ठीक है। अनु उठो बेटा। मम्मा कहाँ गए? हाँ बेटा मैं आ गई, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आना चाहती थी, इसीलिए तो मैं इतना सुबह जल्दी गई कि जिससे मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से आ जाऊँ। लेकिन क्या हुआ ना, मैं जैसे ही निकलने वाली थी, कुणाल ये फाइल दे देना बॉस को, मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं क्या, अभी तो ठीक थे ना? ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। क्या हुआ कुणाल, सब कुछ ठीक तो है ना? मैम वो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो ठीक है, निकल जाओ अभी घर पे। लेकिन मैम ये सारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, आज ही खत्म करके कल सबमिट करना है मैम। एक काम करो, ये फाइल मुझे दे दो, मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ, तुम जाओ घर जाओ। लेकिन मैम आपको तो अपनी बेटी के फंक्शन पे जाना था ना। मेरी बेटी समझदार है, मैं उसको समझा लूंगी, तुम निकलो जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरी बेटी के फंक्शन में जाना। मैम किसी ने सही कहा है कि एक औरत से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं होती है।
मैंने आज देख लिया, आपने मेरे लिए अपनी बेटी के फंक्शन का सेक्रीफाइस किया। कोई नहीं कुणाल, जाओ तुम जल्दी निकलो, मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। जैसा भी होगा मुझे फोन करना। बिल्कुल। ही बुरी माँ हूँ बेटा। मम्मा आप सॉरी मत बोलो, मुझे दुख तो बहुत हुआ था जब आप मेरे अवार्ड फंक्शन में नहीं आए। मैं रुकी थी कि आप आओगे, मैं कब से बाहर खड़ी थी कि अब मेरी मम्मा आएंगी, लेकिन आप आए ही नहीं। लेकिन मम्मा मैं समझती हूँ, आपकी कलीग को आपकी मदद चाहिए थी, उनको आपकी ज़रूरत थी। मेरे अवार्ड फंक्शन से ज़्यादा ज़रूरी था आपको अपने कलीग की मदद करने का, तो आपने जो किया ना उसमें मम्मा मैं बहुत प्राउड फील करते हो। आप बहुत ही स्ट्रांग वुमेन हो और साथ साथ आप एक बहुत ही स्ट्रांग मदर भी हो। आपके सपोर्ट की वजह से आज मुझे अवार्ड मिला है मम्मा, ये देखो। अरे वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी है। अगर मैं ये अवार्ड तुम्हें मिलते हुए देखती ना तो मुझे और खुशी होती। मम्मा आप चिंता मत करो, आई ने पता है पूरा रिकॉर्ड करके रखा है वीडियो, उसने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है, तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, मैं अभी जाके देखती हूँ, फोन चेक करती हूँ। आई लव यू मम्मा।